काम उसमें चलता है धीरे धीरे। हम लोग तो विधानसभा में नहीं हो गाँव हम चुनिंदा खींचते हैं ये वो भी हेलो ये आ गए आप लोग आप तो दे थे हम लोग गए ना पीछे से स्विच को चेंज करवाइए कालू दा बोलो का बात सुनो काल बोले मत से अगर कहां से हम कहां ले रे दो चिंता बताइए हां अब हुआ तेरा 23 हां अरे पहली बात यह है कि ये गांव जो है चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और इधर आने के लिए एकदम डेंस फॉरेस्ट है और इधर आने के लिए सड़क नहीं है, इसके चलते मटेरियल्स वगैरह लाने में भी बहुत तकलीफ होती थी। पता चला कि इस गांव में बहुत दिनों की जब से ये गांव अवस्थित है उस समय से यहां पे बिजली नहीं है, तो हमारे कार्यपालक अभियंता और स्थानीय प्रशासन स्थानीय विधायक इस सब के सहयोग से इन सभी आदमी के सहयोग से यहाँ पे ये किया गया और उसके बाद हम लोग इस पे तत्पर हो करके और जल्दी कर सकें। अभी से आज़ादी से लेके अभी तक बिजली नहीं मिली है तो इसको टारगेटेड था कि हमको बिजली देनी है और हम लोगों ने सभी के प्रयास से हम लोगों के सभी एजेंसी के भी प्रयास से और यहाँ पे बिजली को लाया गया। हम लोग का बाबा दादा परदादा एक खुट्टी बीत गया। हम लोग तो लालटेन में जला रहे थे, तेल का यूज कर रहे थे, डिबरी एक जो होता है डिबरी होता है वो डिबरी के यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे विधायक साहब जो थे हम लोग के प्रयास करते 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 हम लोग का रोशनी में दिखाएं। हम लोग का बच्चे लोग थे पढ़ने में बहुत दिक्कत था, डिबरी में कितना पढ़ता बच्चा, शाम को तो टाइम मिलता नहीं है, तेल रहता है तो है नहीं, वो भी नहीं होता है, बच्चा कितना पढ़ेगा। तो हम हमारे विधायक साहब थे जो डिबरी से बल्ब दिखाएं, लाइन दिखाएं, इसके वजह से हम लोग अभी बल्ब का नसीब हुआ, देखने को मिला और हम लोग खुश हैं और हम सही दिल से अपना दिल से विधायक साहब को अभिनंदन करते हैं।